ये देखो भाई गाइस, ऑफ रोडिंग का मजा तो कुछ अलग ही होता है। ये देखो भाई, ये पिछली बार भी मैं आया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ के वीडियो भी मुझे डिलीट हो गए थे, गलती से मुझे वो वीडियो डिलीट हो गए थे। और इस तरह देख रो भाई, एकदम सिकिटी एरिया है, टायर स्लिप कर रहे हैं, इधर के उधर जा रहे हो। ओ भाई, इधर 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 इधर, ये किधर? तो इधर से चलना है हम लोगों को, तो हम लोग जाएंगे इस तरफ में, ज़रा कहाँ तक बाइक जाती है वहाँ तक जाएंगे। तो भाई ऑफ रोडिंग का तो कुछ अलग ही मज़ा होता है, लेकिन स्किट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जो घास फूस के है इस पर स्किट करते हैं टायर। तो ये चीज़ स्पेशली मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाने के लिए लाया था ऑफ रोडिंग वाली। तो अभी तो हम जा रहे हैं अब, लेकिन अगर नीचे से वापस आ पाएंगे या नहीं वो मुझे पता नहीं है, वो आप लोग भी देख लोगे, हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो फिलहाल भाई हम तो वापस संगलदान पहुंच गए डगनटॉप से। ओ भाई क्या मजा ऑफ रोडिंग है यार, मगर टायर स्किट एकदम कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए भाइयों, ये देख लो भाइयों। ओ भाई किधर किधर किधर, ये देख लो भाई लो, हम लोग आ कहाँ गए हैं, हम लोग वापिस संगलदान आ गए हैं। तो फिलहाल अभी ये देखते हैं, अगर रास्ता होगा तो हम नीचे जाएंगे वहां पे जहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, वहां पे भी ले चलता हूँ मैं आप लोगों को बस कुछ ही देर में। तो फ्रेंड्स, सामने जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये है डगनटॉप का एरिया, इससे आगे निकल के फिर आएगा रियासी, माहौर, बुद्धन और कई सारी जगह है, तो मुझे नाम पता नहीं है वहाँ के, इतने थोड़े बहुत पता है वो मैंने बता दी। ये जो सामने जो एरिया है यहाँ पे लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, बड़े सारे मेरे फ्रेंड्स लोग हैं वो ट्रैकिंग पे गए थे। इस आज बर्फ़ दिखाई दे रही है, आज तो वहाँ पे कोई नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ पे। पीर पंचाल एरिया वो भी इसी तरफ में कहीं पड़ता है, और जो पीछे आप लोगों को रोड भी दिखाई दे रहा है वहाँ तक शायद गाड़ी जाती है, रोड है तो जाहिर सी बात है गाड़ी भी जाती होगी। और ऊपर जो देख रहे हो आप, बादल भी हैं और साथ में बर्फ़ भी पड़ी हुई है, आई थिंक वहाँ पे अभी बर्फ़ पड़ ही रही है क्योंकि सुबह जब हम आए थे इतनी बर्फ़ वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी, अभी जो पूरा जो लेप है वाइट हो गया है, इट मीन्स कि बर्फ़ पड़ रही है। तो अभी ये हम पहुँचे हैं यहाँ पे, बीकन का कुछ थोड़ा बहुत है, पता नहीं क्या है ये, तो फाइनली आज हमने एंजॉय, आज हमने आप लोगों, मुझे तो सर्दी लग रही है लेकिन मैं आप लोगों से, ये देखिए हल्की हल्की सी बर्फ स्टार्ट हो गई है भाई, फर्स्ट स्नो फॉल, ये देखिए इस तरफ में बर्फ, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ऊपर भी बर्फ है, काफी बर्फ होगी ऊपर, कम से कम 5-6 इंच बर्फ तो होगी क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे बर्फ है उसी तरह से ऊपर भी काफी बर्फ पड़ी होगी। तो फ्रेंड्स, जो चीज मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लाया, फाइनली उस चीज के पास हम पहुंच गए हैं, स्नो। और ये रही स्नो, स्टार्ट हो गई है यहाँ से, काफी अच्छा लग रहा है इस वक्त यहाँ पे। नीचे में रामबन से यहाँ तक मुझे इतना मजा नहीं आया जितना मुझे मतलब यहाँ से आगे आने वाला है, तो बर्फ देख के मैं काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं वहां से ही आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई बर्फ दिखाऊंगा, अगर यहाँ पे नहीं दिखती तो मुझे बड़ा फील होता। जो चीज आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूँ अगर वो चीज ही न बने तो फिर क्या मजा भाई, मजा खराब हो जाना था, तो पूरा व्लॉग खराब हो जाना था और पूरा टूर खराब हो जाना था। जाहिर सी बात है ऊपर तो जरूर होगी। ओ भाई बर्फ तो है, ये देखो सामने बर्फ दिखाई दे रही है आप लोगों को उस पहाड़ी पे, अभी हम ऊपर जाएंगे वहां भी बर्फ दिखेगी। तो भाई ओ, ये देख लो बर्फ, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी गिरी है बर्फ, काफी मजेदार बर्फ है, काफी एंजॉय करने वाली चीज है। अभी अगर हमें हमारे पास ज्यादा टाइम होता तो हम शायद रुकते यहाँ पे, क्योंकि 4:30 बज गए हैं, अभी हम जा ही रहे हैं क्योंकि हमने नीचे भी व्लॉग शूट किया है, वहां पे भी हमें बहुत सारा टाइम लगा, तो थोड़े मैंने स्टंट्स खुद के किए थे वहां पे, इसलिए वहां पे टाइम लगा क्योंकि परफेक्टली मैं पूरी तरह से स्टंट्स के लिए नहीं आया था, लेकिन मैंने वहां पे स्टंट्स किए। फिर भी बहुत सारे कपड़े लगे होते हैं आजकल सर्दी में, आपको पता ही है
उन और जैकेट्स वगैरह उनके तो ये सब चीज़ें होती नहीं, इसके लिए पहले वार्म अप होता है, वार्म अप करने के बाद फिर पूरा बंदा किट में होना चाहिए, उसके बाद ये स्टंट वगैरह होते हैं। तो हमें वहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ। तो ये देख लो भाई, बर्फ 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 भाई, कितना मस्त दिखाई दे रहा है सामने, पूरा वाइट लेप, वाइट सफ़ेद चादर बिछी हुई है, कुदरत की सफ़ेद चादर जो सामने दिखाई दे रही है आपको, भाई कितना मस्त सीन है, देखने वाली चीज़ है ये। तो मैं नेक्स्ट जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होगी मैं तब भी आप लोगों को दिखाऊंगा, पड़ती हुई बर्फ़ में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, वो भी दिखाऊंगा मैं। और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ते रहती है यहाँ पे, तब भी मैं ज़रूर आऊंगा और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूर तैयार करूंगा। जब पड़ती हुई बर्फ़ में आऊंगा मैं तो वो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट ज़रूर दिखाऊंगा। और आज फिलहाल जो पड़ी हुई है, कल परसों कहीं पड़ी है ये बर्फ़, ये वो चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो आज मेरे एक्चुअली मैंने रेनकोट वगैरह भी कुछ साथ में नहीं लाया था, इसलिए मैं डर ही रहा हूँ कहीं बर्फ़ ना पड़ जाए। तो अभी तो शायद नहीं पड़ेगी, अब तो काफ़ी मौसम कुछ हद तक साफ हो गया, अब नहीं पड़ने वाली है। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी देख लेते हैं। सामने लेप लगा हुआ बर्फ़ का, ये देख लो आप, कितना मस्त मज़ेदार है भाई, क्या मज़ा है भाई, बर्फ़ में चलने का कुछ अलग ही मज़ा है। किसी ने तो आग भी लगा दी है जंगल में, ये गलत बात है भाई, जंगल में आग नहीं लगानी चाहिए, ये तो टोटली गलत बात है। अब पता नहीं जंगल में लगाई है या आग सेकने के लिए आग लगाई है, आग सेकने के लिए आग लगाई है, जंगल में नहीं लगाई है। बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं लकड़ी वगैरह अपने घर के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं सर्दी का, ये वही आग है। ओ भाई जंगल में बर्फ, क्या बात है, क्या बात है भाई। तो इस तरह देखो जंगल कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट जंगल लग रहा है भाई, मज़ेदार जंगल है। और 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 ये देखो भाई, रोड इधर ख़राब है, जो गूल से डगनटाप तक रोड है वो काफ़ी ख़राब है, वहाँ से आगे जो शायद बुदन तक भी ख़राब रोड है, आगे मैं एक बार पहले गया था उसके बाद शायद किया होगा ठीक। तो इसको अच्छी जगह है, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, बहुत सारी दुनिया आती है यहाँ पे। यहाँ से आगे जो जम्मू का रास्ता है वो मैं गया भी हूँ एक दो बार, यहाँ से जम्मू के लिए कटरा से होते हुए निकल जाता है रास्ता, रियासी से होते हुए आगे कटरा से फिर जम्मू जा सकते हो आप लोग, मैं गया भी हूँ दो बार। आज तो गाड़ी में ही यहाँ आना बेटर रहेगा, वो भी मुझ रिस्क है, कभी बर्फ़ पड़ गई या कोई रास्ता बंद हो गया था, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे खुद ही अल्टरनेट है और खुद ही ऑप्शन भी है बंदा। तो इसलिए ऐसी गलती ना किया करो कि आप रास्ते में खजल हो जाओ। खैर ठीक हो, सेठ ठीक है, कोई ज़रूरत वगैरह, कोई हमारी मदद की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, हमने यहाँ इतना ऊंचा देखा, एक सुनसान जगह पे, सुनसान सड़क में, सुनसान जंगल में तीन चार बंदे मिले यहाँ पे, तो मैंने इनको पूछ लिया, कोई हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है? और पूछ भी लेना चाहिए क्योंकि कभी कभार कोई भी फंस सकता है, कभी भी कोई भी फंस सकता है, तो इसलिए हर किसी की मदद में हमेशा हाजिर रहना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि मैं लद्दाख एरिया में पहुंच गया हूं, लद्दाख में भी ऐसा ही सीन है थोड़ा इसी तरह का, लेकिन वहां पर पेड़ नहीं है, यहां पर पेड़ हैं। तो हमारे आगे आगे गाड़ी जा रही है, JK14H उधमपुर नंबर की गाड़ी है। तो फाइनली हम लोग पहुंचे हैं डगन टॉप। सर्दी क्या है भाई, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा सर्दी है, उफ बाप रे, बहुत ही ज्यादा सर्दी है भाई, ठंड, यहाँ तो बहुत ज्यादा सर्दी है भाई। तो बहुत डरता है यार तनवीर, हम लोग चल पड़े हैं बर्फ को मजा लेने के लिए।
इतनी बर्फ है यहाँ पे, हमें 35 मिनट लगे सड़क से ऊपर आने के लिए। बहुत ज्यादा बर्फ है। ये देखो भाई, आप देख लो किस तरह से होगा बर्फ की तरह होंगे, पूरी बर्फ है ऊपर। जो लेफ्ट साइड है मैंने आपको नीचे से दिखाया था रोड से, वही ये बर्फ है, वही ये पहाड़ी है। और अब यहाँ से ऊपर हम जाने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते क्योंकि अंधेरा होने वाला है। 6:15 बजे है, निकलना भी हमने, घर भी वापस पहुँचना है। तो गाइस ये देख लो आप, बर्फ बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत देख लो भाई लोग, ये रही बर्फ और ये रहा बर्फ दिल में आपका भाई। लेकिन वाट भी बहुत ज्यादा लग गई है, ठंड से हम मर गए पूरी तरह से। पावर दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो पहाड़ी देख रहे हो ये दूसरी पहाड़ी है जो उस तरफ में आती है, तो वहाँ हम पहुँच नहीं सकते आज क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया। हमें 35 मिनट यहाँ तक लगे, तो और यहाँ से आज ही जा पाएंगे। मैं आज आप लोगों को इतना ही दिखा सकता हूँ। आज के व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है फाइनली। अब हम जा रहे हैं वापस टर्न बैक, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है इसलिए मैं नीचे आप जाते समय का व्यू नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मुझे तो फिर भी ग्लोव लगे, मेरे साथ जो तनवीर भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगी है, ग्लोव लगे लेकिन उनको ग्लोव के कैमरा चलता नहीं है ग्लोव पे। और अब हम वापस जा रहे हैं गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करो, भाई की सपोर्ट करो। मैं इसी तरह आप लोगों को हर नई चीज़ें दिखाता रहूँगा हमेशा की तरह। ओके गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल।